बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, देखो एकदम छत पे, बढ़िया मौसम। तो हमने ना अथर्व और मम्मी पापा का एक बड़ा फोटो फ्रेम करवाया था और उसको ही लगवाने के लिए आशी भैया को बुलाया और ड्रिल करवाया, और आज हमने सब बच्चों के सेम कलर के कपड़े रेडी किए, मतलब परचेज किए। हमने सोचा कि भैया ना हम इनका ना एक सुंदर सा फोटो लेते, बट हमारे बच्चे इतने बदमाश हैं कि फोटो लेने नहीं देते हैं, लेकिन कैसे तैसे करके हमने ले लिए। चलो तू मत शोर शराबा, हाँ ले ले भैया फोटो ले लेंगे, फोटो ले 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 ले। फनजोन बच्चों को थोड़ा गेम्स वगैरह खिला देंगे तो इनकी भी राखी बन जाएगी ना, दे विल फील हैप्पी। तो लेट्स गो। मीका के लिए हम उस दिन राखी की ड्रेस लाए थे, उस दिन मतलब मुंबई से ली थी, तो एंड की ड्रेस सुंदर। चले नाचती जाकर, मतलब जब भी मैं इसकी वीडियो लूँ ना ये नाचना चालू कर देती है, बस सिखा रहे इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नाचती रहेगी। चलो मीका आ जाओ बेटा, चारों बच्चों को लेके फन जोन में जाना मतलब खुद की एक्सरसाइज करवाना। अगर ये चारों बच्चे हमारे साथ रोज रहे ना तो मुझे जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जिम जाने की जरूरत नहीं है। ये चारों बच्चे इतनी एक्सरसाइज करवा देते हैं ना हमारी, हम क्या बताएं, घर में भी करवा देते हैं और वहां तो करवाई जो करवाई इन्होंने। इनको संभालना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बहुत ही बदमाश बच्चे हैं चारों के चारों। एक्चुअली मीका थोड़ी सी है सीधी, मतलब मीका बड़ी है तो अपने आप कर लेती है, लेकिन ये तीन तो, इन तीन के लिए तो चार लोग लगते लगते हैं। और आज क्योंकि ना दिन भर भद्रा थी, राखी वाले दिन भद्रा थी और शाम को ही राखी बांधनी थी, तो हमने सोचा कि यार दिन में क्या करें, एटलीस्ट बच्चों को तो राखी का फील करवाया ना, लेट देम एंजॉय, इसलिए हम उनको लेके आज बाहर आ गए। और राखी तो शाम को ही बननी थी इसलिए। किचन में रखी अच्छा, एक और दे दे। बेटा
आपको पैक कर दिए। इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं क्या भैया? अब ये मीहू का चलो पहन ले अपन कपड़े नए वाले। रेडी हो गए भाई राखी के लिए, शाम हो रही है और शाम को जो हमारे यहाँ 2000 बारिश चालू हो गई है। इसको टच करना, तुमको टच करने देगा वो तुमको। ये राखी की तैयारी चल रही है, बाजू बैठ गए। ये पूनम आ गई, मेरी बेटी रेडी होके इधर बैठी फोन लेके, अपना ही फोन है। और अब राखी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मम्मी ने ना नीचे श्रवण जी की पूजा कर दी थी। हम लोग थे नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई श्रवण जी की पूजा। उसके बाद मीका को कृष्ण भगवान की राखी बांधनी है, बिकॉज मीका के सबसे पहले भाई कृष्ण भगवान ही है, लड्डू गोपाल ही उसके सबसे पहले भाई हैं। और उसके बाद बाकी सब राखियाँ हमने बांधी हैं अच्छे से। एंड जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि भाई मैं 13 साल बाद अपने पीहर में क्यों राखी बना रही हूँ, तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मुझे किसी ने बुलाया नहीं या यहाँ पे कोई ऐसी तकलीफ थी मुझे राखी मनाने आने में। लेकिन हुआ ये कि जब मैं शादी होकर यहाँ से गई तब मैं जॉब करती थी तो जॉब में ना राखी पे छुट्टी नहीं होती है, तो छुट्टी नहीं होती है तो राखी पे मैं कभी आ नहीं पाई उस टाइम। फिर एक आध राखी में मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं अभी ससुराल में मना ली, यहाँ से चली गई थी। उसके बाद फिर राखी हम मना ही नहीं पाए, यहाँ पे आके कभी भी मुंबई में मना ली। मतलब ऐसा हो सिचुएशन नहीं बनी हमारी कि हम कोटा आ पाते। कोटा और मुंबई में डिस्टेंस भी बहुत है और राखी पे मतलब स्पेशली ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बन पाई कि भाई इतनी दूर से हम आए। क्योंकि देखो एक दिन के लिए तो आ नहीं सकते कोटा मुंबई से, आना है तो फिर 8-10 दिन के लिए आए एटलीस्ट ना, तभी फिर फन है, अदरवाइज तो फिर क्या ही फन है। तो इसीलिए यही सिचुएशन थी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो अपने पीहर साल में 2 बार तो आती हूँ। मतलब कोई भी कभी भी या तो दिसंबर में आ जाऊँ या गर्मी की छुट्टियों में तो मुझे आना ही होता है। और तो ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर रीज़न नहीं था कि मैंने कोई राखी यहाँ कोई स्पेशली नहीं बनाई कि मेरे भाई से कुछ लड़ाई है या ऐसा कुछ भी नहीं था। टाइटल बस मैंने इसलिए डाला कि भाई क्यों नहीं बनाए, एक्चुअली नहीं बनाई 13 साल तक राखी, बस राखी भिजवा देते थे और मतलब आके राखी कभी नहीं बांधी। तो अब हमने सोचा कि चलो बच्चों की राखी तो बनवानी चाहिए ना, बच्चों को तो बच्चों की ही राखी होती है, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है ना राखी पे। तो मायरा माशा और मीका ने अथर को बहुत प्यार से राखी बांधी, और अथर देखे बिल्कुल प्यार से बनवाई नहीं, क्योंकि अथर को अथर छोटा बच्चा ना, ही कैन बी क्रैंकी ऑल द टाइम, ऐसी चीज़ों में तो वो क्रैंकी हो ही सकता है। इनफैक्ट मायरा माशा भी कभी कभी क्रैंकी हो जाती है, लेकिन हाँ मायरा माशा को ना बड़ा पसंद राखी बनवाना, उन्होंने तो मतलब एक राखी बंधी तो भले और बांधो मुझे राखी, तो ऐसा उनके साथ हुआ। उनको तो बहुत उन्होंने बहुत इन्जॉय किया राखी में, और मीहिका ने भी, मीहिका को भी राखी में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मीहिका सबसे पहले तो कृष्णा जी को राखी बांधती है, और इतने सालों से भी हम जब से मुंबई आए तब से युग को और डुगू को ही राखी बांधती आ रही है। आपने पिछली राखी में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डाल दूंगी यहाँ पे, देख लेना उस राखी सेलिब्रेशन की वीडियोस। तो मुंबई में थे तो मुंबई में युगू और डुगू को राखी बांधती थी, और युग और डुगू को हम राखी शायद बाद में जाके हम बांधेंगे, क्योंकि अभी तो राखी ऋषि पंचमी आई डोंट नो हाँ चलती है, मतलब 10-15 दिन भी चलती है, तो वहाँ जाके बाद में हम उनको राखी बांधेंगे, लेकिन बांधेंगे जरूर क्योंकि मीका के वो भी भाई हैं। और इस बार हम इंदौर नहीं जा पाए, तो इस बार यहाँ हमने राखी मनाई, क्योंकि हमें भी तो राखी मनानी थी ना, हमने इतने सालों से मनाई नहीं, तो हमने भी आज इस बार हमने 13 साल मैंने तो 13 साल बाद अंकुल को राखी बांधी है, मैंने तो बांधी ही नहीं उसको राखी कितने सालों से। तो हमारी राखी इस बार बहुत अच्छी हो गई, बहुत इंजॉय किया सबने। अच्छा
अच्छा, और हाँ आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस आपकी राखी में तो सिस्टर्स को भी राखी बांध रही हैं, आप लोग दादाजी को भी राखी बांध रहे हो, पापा को भी बांध रहे हो, मम्मी को भी बांध रहे हो और सिस्टर्स बांध रही हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब हम राखी मतलब हम लोग सबको बांधते हैं। देखो बाबू जी की सिस्टर यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए बाबू जी को उनकी सिस्टर की राखी बांध देते हैं। इस बार बुआ जी यहाँ नहीं है तो बुआ जी की राखी हमने पापा को बांध दी। तो हम लोग ऐसे उनका हाथ भी खाली नहीं रखते, सूना नहीं रखते। और हम तीनों सिस्टर्स और मम्मी को इसलिए राखी बांधते हैं क्योंकि रक्षा सूत्र है ना, सबके लिए होना चाहिए। तो शगुन का धागा है और क्या। तो भाई भाभी की राखी भी हो गई, सबकी राखी होगी, तो इसीलिए हम लोग सबको राखी बांधते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई भाभी को ही राखी बंधेगी, मम्मी पापा सिस्टर सबको राखी बनती है हमारे यहाँ। एंड वी एंजॉय इट अ लॉट। तो ऐसा नहीं कि बस भाई को बांध के और छोड़ दी। वगैरह बनने के बाद नोनी और मिहिका हम लोगों को डांस सिखा रहे थे क्योंकि हम लोगों को एक दो रील्स बनानी थी। तो इन दोनों ने हमको बहुत अच्छे से डांस बनाया और हमने रील्स भी बनाई हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाना और वो रील्स देखना। उसमें सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, उसमें नोनी और मिहिका की भी मेहनत है। एंड बाद में ये दोनों अपना खुद रील बना रही थी, बाद में ये लोग भी अपना कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। उसकी रील मेरे पास अभी है नहीं, जब होगी तब मैं वो अपलोड करूँगी। तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और वो रील अपलोड की है उसने अपने इंस्टाग्राम पे। तो हो गई हमारी राखी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नोनी और मीका ही करेंगे ब्लॉग। आ जाओ तुम भी, आ जाओ पीछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और